जय श्री राम। वेलकम टू इंग्लिश लर्निंग क्लासेस। और इसमें हम अभी तक क्रिया पढ़ चुके हैं। सो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया हम पढ़ चुके हैं। और ये तीनों विकारी होते हैं। इनके रूप जो है वो लिंग, वचन और पर्सन, पुरुष। लिंग, वचन और पुरुष के आधार पर इनके रूप बदलते रहते हैं। लेकिन इसके बाद अब हम अविकारी शब्द पढ़ेंगे। इनमें कोई चेंजेज नहीं होते हैं। इनमें जेंडर, नंबर, पर्सन के द्वारा कोई चेंजेज नहीं होते हैं। तो क्रिया विशेषण हम पढ़ते हैं। और जैसे कि पहले ही मैंने बताया, जब हम नाउन और प्रोनाउन पढ़ चुके थे तो हमने विशेषण पढ़ा था। जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, और जो क्रिया की विशेषता बताए वो क्रिया विशेषण कहते हैं। इसलिए क्रिया के बाद हमने इस चैप्टर को लिया। इसको इंग्लिश में एडवर्ब कहते हैं। सो ये विकारी शब्द है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये विकारी शब्द है। इन विकारी शब्दों को हम पढ़ चुके हैं। अब हम अविकारी शब्दों को पढ़ने जा रहे हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय, विस्मयाधिबोधक, ये सब इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं। सो नाउ वी आर शिफ्टिंग टू अविकारी शब्द। सो शब्द के प्रकार जो है विकारी शब्द और अविकारी शब्द होते हैं, और इनके बारे में हम बता चुके हैं। क्रिया विशेषण क्या होता है? वह शब्द जो हमें क्रिया की विशेषता के बारे में बताता है क्रिया विशेषण कहलाता है। क्रिया हमें पता है ना, पढ़ना। तो अगर पढ़ना को अगर कोई उससे पहले कुछ शब्द आकर के और उसका पढ़ना को मॉडिफाई कर दे, जैसे मान लीजिए कि श्याम पुस्तक पढ़ते हैं, तो श्याम पुस्तक जोर जोर से पढ़ते हैं, ऊंची आवाज में पढ़ते हैं, बड़ी तेज पढ़ते हैं, बड़े धीरे से पढ़ते हैं, बड़े आराम से पढ़ते हैं, बड़े सम्मान के साथ पढ़ते हैं। ये पढ़ने से पहले जितने शब्द आए हैं, पढ़ना क्रिया है, और पढ़ने से पहले जितने शब्द आए हैं वो क्रिया का विशेषण बता रहे हैं, और इसीलिए उनको क्रिया विशेषण कहते हैं। हिरण तेज भागता है, भागना एक क्रिया हो गया, और हिरण किस तरीके से भागता है? तेज भागता है। तो यहां पर तेज जो है वो विशेषण, क्रिया विशेषण हो गया। तो वाक्य में जब कोई शब्द इन तीनों की विशेषता बताता हो तो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण न सिर्फ क्रिया की विशेषता बताता है, वरन विशेषण की भी विशेषता बताता है और क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताता है। जी हाँ, जब हम सिर्फ विशेषण पढ़ रहे थे तो वहां की बात जो थी वो संज्ञा सर्वनाम तक थी। यहां पर क्रिया का भी विशेषण बताएगा, विशेषण की भी विशेषता बताएगा, और क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताएगा, उसको क्रिया विशेषण कहते हैं। विशेषण की तरह क्रिया विशेषण का भी कार्य विशेष बतलाना होता है, किंतु अंतर यह है कि विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, वही क्रिया विशेषण वाक्य में क्रिया की विशेषता बताता है। चूंकि यह क्रिया की विशेषता बताता है अतः यह कि क्रिया विशेषण है। देख लेते हैं, ये विशेषण है और ये क्रिया विशेषण है। मैं यहां पर जानबूझ करके मैं इस स्लाइड को इसलिए डाला हूं ताकि आपको जस्ट एक रिमाइंड करा सकूं कि आपने विशेषण में क्या समझा था और क्रिया विशेषण में क्या समझ रहा है, विशेषण में और क्रिया विशेषण में कितना फर्क है। कोयल मीठे फल खाती है, यहां पर मीठे किस चीज के बारे में बता रहा है? फल के बारे में। फल क्या है? नाउन है। तो जब नाउन या प्रोनाउन के बारे में हम बात करेंगे, मीठे, अच्छी, तेज, बहुत, अधिक, ये सब नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहे हैं, इसीलिए ये विशेषण है। और यहां पर कोयल मीठा गाती है, यहां पर गाने की विशेषता हो रहा है। मीठा यहां पर भी है और मीठा यहां पर भी है। यहां पर मीठा फल है और यहां पर मीठी गाना है। तो जब मीठा गाना है तो मीठी गाना गाती है, केवल मीठा गाना गाती है नहीं हो, केवल मीठी गाना गाती है होगा, तो इसमें क्या हो गया? गाने की विशेषता हो रहा है। मारुति कार अच्छी चलती है, मारुति कार अच्छी है वो इधर आ जाएगा, और मारुति कार अच्छी चलती है वो क्रिया विशेषण में हो गया। हिरन तेज दौड़ता है, काला हिरन इधर आ जाएगा, और हिरन तेज दौड़ता है क्रिया विशेषण में हो जाएगा। साहूकार ब्याज बहुत खाता है, विदूषक अधिक बोलते हैं, ये सब जितनी भी क्रियाएं हैं जब नाउन प्रोनाउन से पहले आएंगे तो विशेषण हो जाएंगे, और वही शब्द वही है जी, वही शब्द
अगर क्रिया से पहले आ गए तो उनको क्रिया विशेषण कहते हैं। तो शब्द जो नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर के उनकी विशेषता बताएं वो विशेषण कहलाते हैं, और वही शब्द चाहे दूसरे शब्द जो क्रिया से पहले आकर के क्रिया की विशेषता बताए क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के भेद यहां पर हिंदी में कालवाचक विशेषण मतलब संबंध से होता है, समय से होता है, 2 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 2 घंटे, 10 घंटे, 1 साल, 2 साल, 1 महीने, 2 महीने, कुछ समय पहले की बात है, कुछ समय बाद की बात है, ये सब कालवाचक संज्ञा हो गया। स्थानवाचक संज्ञा, स्थानवाचक संज्ञा में क्या होता है, यहाँ, वहाँ, कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, ये जगह का नाम हो गया। रीतिवाचक संज्ञा, क्रिया करने के तरीके को रीति कहते हैं, तो किस तरीके से काम हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, तेजी से हो रहा है, आराम से हो रहा है, मंद गति से हो रहा है, तो ये क्रिया करने के तरीके के बारे में। परिमाणवाचक है, मात्रा से संबंधित है, जहां भी क्वांटिटी की बात आएगी क्रिया विशेषण जो क्वांटिटी के लिए आएगा उनको परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर है, वह धीरे धीरे चलता है, यहाँ पर धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। खरगोश तेज दौड़ता है, वो तेज यहाँ पर क्रिया विशेषण है। तो ये धीरे धीरे, तेज, ये सब जितने हैं ये सब यहाँ पर क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। तो एडवर्ब को हमने क्या पढ़ा कि वो एक तरीके का क्रिया विशेषण है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर क्रिया विशेषण हिंदी में आप समझ गए हैं। अब हिंदी में क्रिया विशेषण समझने के बाद से इंग्लिश में थोड़ा देख लेते हैं। एडवर्ब को ही क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण एक वाक्य में एक शब्द है जो निम्नलिखित के अर्थ को संशोधित करता है, मतलब एडवर्ब जो है वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, एडवर्बियल प्लेसेस सबके एक साथ वो विशेषता बता देता है। एग्जाम्पल ऑफ एडवर्ब क्या है, शी स्माइल्स हैप्पीली, खुशी से मुस्कुराती है, जबरदस्ती नहीं मुस्कुराती, वह जोर से चिल्लाता है, चिल्लाना तो है होता है ये जोर से, धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलती है, मतलब अंग्रेजी रुक रुक के, टूट टूट के, अटक अटक के, भटक भटक के, ऐसे नहीं बोलती है। अंजलि स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, मेरे पिता ने मुझसे गुस्से में बात कही, माय फादर स्पोक टू मी एंग्रली, आप लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं, यू ड्राइव केयरलेसली, ठीक है। तो ये तरीके हैं आपने, ये अलग अलग सब तरीके हैं एडवर्ब के, इस तरीके को आपको प्रैक्टिस करना है। जब इंग्लिश में हम आते हैं इनके टाइप्स के बारे में, तो समय सूचक जो समय टाइम की विशेषता बताए, प्लेस सूचक स्थान सूचक जो प्लेस की व्यवस्था बारे में बताए, फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार हो रही है, उसकी आवृत्ति कितनी है, उसके लिए संख्यावाचक हो गया। कारणवाचक होता है रीजन क्या है, क्वांटिटी होता है परिमाण कितना है, मैनर मतलब विधि क्या है, रीति क्या है, इंटरोगेटिव होता है प्रश्नवाचक, और रिलेटिव होता है तो संगत संबंधवाचक। इसका हम यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ हिंदी के साथ एक एक करके समझ लेते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम, इसमें क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर दिया है एडवर्ब ऑफ टाइम, तो इस निश्चित रूप से इसकी क्रिया से पहले समय का बोध होता है, जैसे ये क्रिया करते समय समय का बोध कराते हैं, जैसे सुन, नाउ, अर्ली, टुडे, टुमारो, लेट टुमारो, लाइक दैट, ये जितनी भी चीजें होती हैं ये समय को संबोधित कर रही हैं। कुछ निश्चयवाचक समय हो सकता है, कुछ अनिश्चयवाचक समय हो सकता है, प्लेस के बारे में, स्थान के बारे में, हियर, देयर, अप, डाउन, एवरीवेयर, इन, आउट, इनसाइड, ये सब स्थान का है। एडवर्ब ऑफ मैनर, क्रिया के होने के तरीके के बारे में, हार्ड, ब्रेव, वेल, फास्ट, स्लो, ये सब होते हैं। डिग्री के बारे में, मतलब उसमें कैसी तीव्रता है, मच, मोर, ऑलमोस्ट, ये सब क्या है, डिग्री के बारे में। उसके बाद से नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, संख्या के बारे में, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, नेवर, सेल्डम, ऑफन, अगेन, सेकेंडली, ये सब फ्रीक्वेंसी के बारे में बता रहे हैं। अफर्मेशन और निगेटिव के बारे में, क्रिया से सकारात्मक तथा नकारात्मक भाव, श्योरली, Yes, never, certainly, scarcely, possibly, likely, interrogative में क्या होता है, when, why, where, how, ये सब word use होता है। Relative में how, when, ये बीच में आ जाते हैं। हम इसको pronoun में पढ़ चुके हैं, इसमें से mostly चीजें हम पढ़ चुके हैं pronoun में। Pronoun के बहुत से भेद adjective के भेद से मिलते जुलते हैं। एडवर्ब के भी बहुत से ऐसे भेद हैं जो एडजेक्टिव के वर्ब से मिलते जुलते हैं, इसलिए हम उन पर बहुत ज्यादा
टाइम वेस्ट ना करते हुए बस थोड़ा थोड़ा सा हिंट देकर के उनको समझाते आपको आगे निकल जाएंगे। तो इस तरीके से एडवर्ब एडजेक्टिव हो गया। अब इसके बाद हम अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।